डे वन ब्लॉक टू मांडू। सूरज के ढलते ही मैं तैयार हो गया मांडू का इतिहास जानने को लाइट एंड साउंड शो देखने। शो दूर था इसलिए जल्दी जल्दी पैदल निकलने लगा। मांडू के इस खूबसूरत कस्बे को पार करते ही मेरे सामने घना जंगल आ गया। जंगल पहुंचते ही ठंड बड़ी तो मैंने टोपी लगा ली। सामने वाइन शॉप को पार करते हुए मैं सीधा चला अपनी मंजिल की ओर। होटल्स के सामने की लाइट जल गई थी, मतलब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। जब तक मैं टिकट काउंटर पहुंचा अंधेरा पूरी तरह से छा गया था। और यहाँ भी भेदभाव, इंडियन के लिए टिकट का रेट 100 रुपए और फॉरेनर के लिए 800 रुपए। अच्छा हुआ मैं इंडियन था इसलिए मैं 100 रुपए का टिकट लेकर अंदर चला गया। सबसे पहले पहुंच के अपने आदत अनुसार सामने की सीट पकड़ ली। मुझे पता चला ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, इसे में लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाएगा। लाइट एंड साउंड शो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, फिर भी मैं करूंगा। तब लोहार ने उसे बताया कि ये तो पारस पत्थर है जिसके स्पर्श भर से लोहा सोने में बदल जाता है। तो शो खत्म करके अपन वापस निकले पैदल पैदल अपने रूम की तरफ। अंधेरा इतना था कि मैं खुद को ही खुद दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी जंगल के बीच हिम्मत करके चलता जा रहा था। फाइनली चलते चलते मैं मेन विलेज में पहुंच गया तो सोचा थोड़ा सा नाइट लाइफ का एंजॉय किया जाए। वहां मैंने बस, गाड़ी, महल और कार देखा। फिर पुष्पाराज का तेरी नजर शरफी वाले गाने पे डांस करता हुआ बेंच भी देखा। फिर रात के अंधेरे में मस्जिद की खूबसूरती को भी देखा। देख देख कर थक गया तो मैं सीधा खाने चले आया, मगर दुख की बात यहाँ सिर्फ वेज ही मिलता है। तो पहले मैंने अपना दिमाग ठंडा करने के लिए फंडा मंगाई, उसके बाद मंगाया वेज बिरयानी। बिरयानी खाकर पान लेकर चला मैं सीधा अपने होटल की ओर। खाने का सामान को बिस्तर में यूं ही छोड़ के मैं सो गया, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के मुझे बाकी जगह भी कवर करनी है। सुबह 8 बजे मैं जल्दी उठकर तैयार हो गया और जैसे ही होटल से निकलने के हुआ, इस प्यारे से पपी ने मुझे अपने पास बुला लिया। फिर मैं बाहर आकर सुंदर नजारों का लुत्फ उठाने लगा। फिर मुझे झट से याद आया मुझे तो बाकी जगह कवर करने जाना है, तो भागा भागा चला मैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में मस्त इंदौरी पोहा खाकर चल दिया मैं मस्जिद देखने को। 25 रुपए की टिकट लेकर सीधा अंदर। अगली डेस्टिनेशन थी मस्जिद के ही सामने अशरफी महल, जो पूरा तरह से कबाड़ा हो चुका था, टूट फूट कर हालत खराब था। महल के नाम पे सिर्फ खंडर बचा हुआ था। अंदर जाकर जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने गोल गोल वाला सेल्फी वीडियो लिया। फिर मकबरे के सामने दारू की खाली बोतल मिली, एक कुआं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं था, तो अंदर के पोर्शन जहां थोड़ा सा देखने लायक बचा था वहां 2-4 फोटो खींचा के मैं आ गया बाहर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाने को। अगली डेस्टिनेशन पुराना राम मंदिर था, तो वहां जाकर थोड़ा पूजा पाठ किया और निकल गया वापस भोपाल जाने को। होटल से निकलते वक्त यहां की याद के लिए यहां की एक इमली खरीद ली। फिर सामने ही खड़ा मिला मुझे मेरा बस, तो मैंने फिर से सबसे पहले चढ़ के सामने वाली सीट पकड़ ली। मांडू को बाय बाय करके हम निकल गए आगे।
किया मैंने बस चेंज और निकल पड़ा इंदौर के लिए इस छोटी डब्बा बस में। इस पे मैंने विंडो सीट ले ली और एक घंटे में पहुंच गया इंदौर। वहां से ऑटो लेकर सीधा गया मैं चार्टर्ड बस के ऑफिस। वहां सुंदर सुंदर बसों को देखकर मुझे प्यार होने ही लगा था कि तभी मुझे याद आया कि मुझे भोपाल जाना है और मैं भाग के गया टिकट काउंटर की ओर। वहां पे मुझे एक विंडो सीट मिल गई तो मैं फटाफट से कुछ खाने का सामान लेकर दौड़ा अपने बस की ओर। वॉल्वो बस काफी शानदार फील दे रहा था और बस में टीवी भी चल रहा था। फिर जुई जुई की स्पीड में टीवी देखते हुए मैंने अपने खाने का सामान ठूसा। इसका एसी को ज्यादा ही ठंडा कर रहा था इसलिए मैं थक के सो गया। फिर सोते सोते नींद खुली तो मुझे पता चला बस टी ब्रेक के लिए रुकी है, तो मैं भी चाय पीने उतर गया। काउंटर में लाइन लगाकर ये बिल लेके बिल देकर ये चाय बनाने के इंतजार करते हुए जैसे ही मैं गर्मा गर्म चाय लेकर बैठा बस वाले ने हॉर्न मार दी। अब चाय बस बस चाय में से मुझे कुछ चुनना था और मुझे मजबूरन बस चुनना पड़ा। ड्राइवर के ऊपर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए चुपचाप मैं जाकर बस में बैठ गया। फिर बस की यूं ही पूरे रफ्तार में चलते चलते अंधेरा सा हो गया और बस के अंदर की लाइटें भी जल गई। यहाँ अंदर टीवी में बाहुबली नाच रहा है। फिर एक लंबे सफर के बाद फाइनली हम एंटर कर गए भोपाल में। बस से जल्दी जल्दी उतर कर मैं अपनी पिकअप वैन ढूंढने लगा। फिर पिकअप वैन में बैठकर हम चल दिए स्टेशन की ओर। वहां से वैन को बाय करके ऑटो पकड़ के सीधे हॉस्टल। इस ब्लॉग के साथ मांडू का ट्रिप खत्म। जल्द मिलता हूँ आपको खजुराहो के ट्रिप में। MP में दिल हुआ बच्चे का।